नाउ द नरेटर इज सेइंग अगेन कि आफ्टर द फर्स्ट विजिट इन वेन राइट टू मिसेस डॉलिंग्स नाउ शी अगेन डिसाइडेड टू मीट मिसेस डॉलिंग एट हर होम. सो फिर अगेन वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं. नाउ अ गर्ल मेट हर राइट, वहाँ पे उनको कौन मिली, एक गर्ल मिली एंड शी हैड ओपन द डोर. और उस बच्ची ने क्या किया या उस लड़की ने क्या किया, उस दरवाजे को खोला. एंड शी दैट गर्ल वॉज अराउंड 15 ईयर ओल्ड एंड देयर दैट गर्ल और द प्रोटागोनिस्ट आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज देयर और नॉट. तो आंसरिंग दिस क्वेश्चन दैट गर्ल सेड राइट नाउ शी हैज लेफ्ट हर होम फॉर सम काइंड ऑफ वर्क एंड शी वॉज नॉट हियर बट आफ्टर फ्यू आवर्स शी विल बी हियर एंड यू कैन मीट हर इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और यू कैन टेक सम इफ यू वॉन्ट टू टेक रेस्ट यू कैन सिट हियर इन अ हॉल इफ यू वॉन्ट टू वेट सो यू कैन सिट इन साइड अवर हाउस. ओके तो यहाँ पे बात हो रही है कि बच्ची जो है, एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला राइट, और ये जो बच्ची थी करीब करीब 15 साल की थी राइट, और उसने दरवाज़ा खोल के पूछा कि येस टू हुम यू वांट टू मीट. तो इस पर जो है प्रोटागोनिस्ट, उन्होंने रिप्लाई किया कि यू वांट टू मीट मिसेस डॉलिंग राइट. तो उसके रिप्लाई में अगेन उस बच्ची ने कहा राइट नाउ शी इज़ नॉट एट होम एंड शी हैज़ लेफ्ट अवर हाउस फॉर सम काइंड ऑफ वर्क, कि वो घर पर नहीं है और वो कहीं काम पर गई हुई है राइट. तो यहाँ पे वो बच्ची और एड ऑन करती है कि इफ़ यू वॉन्ट टू वेट यू कैन कम इन साइड अवर हाउस, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम एंड यू कैन वेट एंड सिट इन साइड अवर हाउस, आप हमारे घर अंदर आ सकती हैं और वेट कर सकती हैं. आगे देखते हैं कि घर के अंदर जाने के बाद घर का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटागोनिस्ट हैं या मिसेस एस की डॉटर हैं, शील फाइंड हर बिलोंगिंग्स देयर और उसके बाद वो क्या डिसीजन लेती हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. चलिए देखते हैं एंड फाइंड आउट कि क्या होता है. ओके हियर द गर्ल आस्क्ड टू प्रोटागोनिस्ट कि वोंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं, प्लीज़ हैव योर सीट. तो वो वहाँ उनको बैठने के लिए कहती हैं और उनके लिए क्या करती हैं, उनको लिविंग रूम से ले जाते हुए वो क्या करती हैं, उनके लिए एक चेयर वो क्या करती हैं, पुल करती हैं और उनको वहाँ बैठने का इशारा करती है राइट. अब बात आती है कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने मीन्स प्रोटागोनिस्ट ने क्या क्या देखा. यहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट हैं और द नरेटर, शी इज टेलिंग कि शी फाउंड हरसेल्फ इन अ लिविंग रूम राइट, एंड वहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी राइट, जैसे सीलन सी बदबू आ रही थी. एंड एट दैट टाइम शी वॉज फीलिंग सो बैड व्हेन शी केम एंड सिट ऑन इनसाइड द लिविंग रूम शी फाउंड दैट द थिंग्स वर सेम राइट, और वो जो चीज़ें थी वहाँ पे वो उनकी ही बिलोंगिंग्स थी. बट नाउ शी वॉज नॉट फाइंडिंग दैट मच इंटरेस्ट ऑन इट बिकॉज यहाँ का जो एटमोसफियर था वो इतना सीलन भरा और बदबूदार था कि उनकी जो चाह थी है ना, कि शी वॉज क्यूरियस अबाउट द बिलोंगिंग्स अर्लियर शी वॉज क्यूरियस अबाउट द बिलोंगिंग्स, बट जैसे ही वो इस कमरे में आती हैं शी वॉज टोटली अपसेट बिकॉज यहाँ पे एक जो है इस तरीके की स्मेल भरी हुई थी जिससे कि, और डर्ट की वजह से, डस्ट की वजह से शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल. सो वह वहाँ पे देखती हैं और बैठती हैं कि सारी कटलरीज राइट, सारी प्लेट्स जो उनके घर पे वॉल पे इस तरीके से हैंग करते थे, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, वो फ्लावर वॉस सारा वहीं पे रखा हुआ है. और जिस चेयर पे वो बैठी थी एट दैट टाइम द टेबल इन फ्रंट ऑफ हर हैविंग द सेम नेटेड कवर, और ये नेट को किसने किया था, दिस नेटेड हैज़ बीन डन बाय मिसेस एस. तो उस चीज़ को वो पहचान जाती राइट, एंड शी वॉज टचिंग दैट नेटेड कवर बाय हैंड, और उसको वो फील करने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरी माँ का ही है, ये मेरी माँ ने बनाया है. बट आफ्टर सम टाइम शी केम टू अ प्लेस जहाँ पर वो थोड़ा सा क्या हो चुका था, फट चुका था राइट. तो यहाँ पे वो जो कवर था उसमें थोड़े से छेद हो चुके थे, तो उसको वो टच करके देख रही थी और फील करके देख रही थी. अगेन
गर्ल इसी ड्यूरेशन में उनको चाय ऑफर करती है और पूछती है वुड यू लाइक टू हैव सम टी। तो यहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट हैं वो थैंक यू कहती हैं, इट मीन्स येस आई वुड लव टू हैव सम टी विथ यू, राइट। तो यहाँ पे जो बच्ची है और द गर्ल वो क्या करती हैं, एक चाय के कप में उस चाय को डालती है जो उन्होंने अपने मॉम के लिए थोड़ी देर पहले बना के रखी थी कि आफ्टर सम टाइम शी विल कम एंड दे विल हैव देयर टी टुगेदर। बट जैसे ही प्रोटागोनिस्ट आती हैं वो उनको ऑफर करती हैं और उसमें से कुछ टी वो उनको भी देती हैं और साथ में कुछ टी अपने लिए भी निकाल लेती हैं। ओके, यहाँ पे बात आती है अगेन उस बच्ची के या उस गर्ल के फिजिकल अपीयरेंस की। तो अगेन नरेटर कहना चाहती हैं कि उस बच्ची का भी जो बैग था वो वैसे ही ब्रॉड था जैसे कि मिसेस डॉलिंग का हुआ करता था, राइट। तो यहाँ पे बच्ची एड ऑन करती हैं कि हर मदर विल बी सून राइड बैक, तो वो उनका इंतज़ार कर सकती हैं। और उसके बाद वो क्या करती हैं, एक हो सकता है फ्लास्क हो या कोई बर्तन रखा था उसके ऊपर एक लिड रखी थी, लिड के ऊपर जो उस लिड के ढक लिड को जब हटाती हैं तो उस लिड को वो नोटिस करती हैं कौन प्रोटागोनिस्ट, और उसके ऊपर गोल्डन कलर का काम करा हुआ था या उस पर वर्क किया हुआ था उसको वो नोटिस करती हैं, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे बात आती है कि जब उन्होंने यानी प्रोटागोनिस्ट ने कहा कि हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेट इज़ और दिस लेड इज़ वॉट एवर और दिस बॉक्स इज़, वो जब चीज़ों की तारीफ कर रही थी तो यहाँ पे उस बच्चे या उस 15 साल की लड़की ने एड ऑन किया कि तुम इसके बारे में जानती हो। एक्चुअली वो बहुत खुश हो गई थी और वो चाहती थी कि बताना कि हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें, और वो मुड़ती है और अपने हाथ में कप और चाय भरकर लेके आती है और वो उनको सर्व करती है। किसको देती है, प्रोटागोनिस्ट को देती है। अगेन वो कहती है कि इसके जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना, वो कहती है और वो पूरे रूम को पॉइंट करते हुए कहती है, शी पॉइंटेड ऑल ओवर द रूम एंड शी वॉन्ट टू से एंड शी पॉइंटेड ऑल ओवर द रूम एंड शी सेड सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लीजिए हमारे पास कितनी सुंदर कटलरीज हैं करके। I had no need to see or I had no need to follow her instructions. यहाँ पे प्रोटागोनिस्ट कहती है मन में कि मुझे उसके instructions को follow नहीं करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो क्या दिखाना चाह रही थी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। एक्चुअली शी वॉन्ट टू शो ऑफ, राइट, वो शो ऑफ करना चाहती थी वो 15 साल की लड़की कि वी आर सो रिच एंड वी आर हैविंग सच फाइन कटलरीज विथ अस, तो वो ये चाहती थी। बट एट दैट टाइम दैट प्रोटागोनिस्ट वॉन्ट एक्चुअली नॉट हैप्पी वाइल लुकिंग दिस। यहाँ पे वो एड ऑन करती हैं कि टेबल पे एक लकड़ी का प्लेट जैसा था उसको देख करके वो कहती हैं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लव टू और आई वाज फैसिनेटेड दैट द एप्पल ऑन द दैट पीटर पाइन, उसको पीटर पाइन कहा जाता है कि उस पर रखा रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मॉम इस तरीके से रखती थी। और उस पर गर्ल कहती हैं कि ये जो चीज़ है हम इसको हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। वो ये भी एड ऑन करती हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये वॉल पे टंगी हुई हैं, हम इन पर एक बार खाना भी खा चुके हैं, राइट। आई वॉन्टेड टू डू सच काइंड ऑफ थिंग सो मेनी टाइम्स बट देर इज़ नथिंग स्पेशल इन इट। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं और इसमें खाना खाऊं, बट इट इज़ नॉट एनीथिंग स्पेशल इन इट, क्योंकि नॉर्मल प्लेट में खाओ या फिर उन प्लेट्स में खाओ बात एक ही है, बट दीज आर द लग्जूरियस वन, तो हमने उनको दोबारा यूज़ नहीं किया, राइट। यहाँ पे ओके, यहाँ पे अगेन हम उस टेबल क्लॉथ पर आते हैं जो थोड़ी देर पहले इन द एब्सेंस ऑफ दैट गर्ल उन्होंने या प्रोटागोनिस्ट ने नोटिस किया था उस कवर को। तो अगेन प्रोटागोनिस्ट क्या करती है, उस कवर पर इस तरीके से हाथ फेरती है, शायद वो बर्न मार्क था जो उस टेबल क्लॉथ का पोर्शन जल गया था। तो यहाँ पे वो जो लड़की है वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि ये इस तरीके से क्यों टच कर रही है एंड व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से बाय हर गेस्चर, वो ये समझने की कोशिश करती है।
तो इस पर जो प्रोटागोनिस्ट हैं वो एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं कि एक्चुअली आई लव टू टच दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो लग्जूरियस एंड वॉट इन अ फाइन वे दे हैव बीन मेड, वो ये एड ऑन करती हैं. और साथ में ये कहती हैं कि एक्चुअली इस चीज़ को रिपेयर अभी तक नहीं किया गया है. और वो कहती हैं कि तुम या कोई ऐसा पर्सन जब तक इससे मतलब रिलेट नहीं करता, वो क्या हो सकता है, इन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकता, इन चीज़ों से लगाव नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है. इसीलिए आप ये चीज़ को समझ नहीं रही हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं तब हम क्या करने लगते हैं, उनको मिस करने लगते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उनसे दूर हो चुके हैं. अब जब मैं इस चीज़ को देख रही हूँ तो आई वॉज थिंकिंग कि ये फटा हुआ है, ये बर्न आउट है, वॉट एवर इट इज़. अब इससे किसकी एक रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बट स्टिल इट इज़ नॉट रिपेयर्ड येट. तो ये एड ऑन करती हैं. आगे हम देखते हैं वो क्या और समझाने की कोशिश करती हैं उस 15 ईयर ओल्ड गर्ल को, और क्या कॉन्वर्सेशन होती है उन दोनों गर्ल्स के बीच, और वेदर शी मेट मिसेस डॉर्लिंग और नॉट. इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट हम करने की कोशिश करते हैं आगे के आगे के पैराग्राफ्स में. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन उनको एक यही वाली साउंड बहुत स्ट्रेन लगती है जब वो बच्ची को कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं कि जब आप चीज़ों से दूर हो जाते हैं तब वो आपको तब आप उन चीज़ों को ज़्यादा मिस करते हैं. और इस चीज़ में वो एड ऑन करते हुए कहती हैं कि व्हेन शी वाज चाइल्ड वो एक दिन घर पर थी, एट दैट टाइम हर मदर आस्ट हर टू क्लीन सच काइंड ऑफ थिंग्स, सच काइंड ऑफ क्रॉकरीज, एंड जस्ट बिकॉज शी वॉज फीलिंग बोर्ड, उन्होंने क्या किया था, उन चीज़ों को क्लीन किया था. एंड देन शी फाइंड आउट कि उनके पास एक्चुअली शी वॉज सरप्राइज कि उनके पास इतने सारे फोक्स हैं, स्पून्स हैं, नाइव्स हैं, है ना, ये सारे सिल्वर के हैं. और यहाँ पे सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि वो ये तक नहीं जानती थी कि वो सारे सिल्वर के हैं. एंड दैट डे वॉज द डे वेन शी केम टू नो दैट कि दीज थिंग्स आर ऑफ सिल्वर. ये उस बच्ची ने, ये जो प्रोटागोनिस्ट है वो उस बच्ची को बताते हैं. तो यहाँ पे जो गर्ल दैट वॉज लिसनिंग टू हर वो हंस देती है. ओके, सो इस चीज़ को सुनकर वो 15 साल की जो लड़की है वो हंस देती है और कहती है कि आई नो दैट अभी भी आप इन चीज़ों को नहीं जानती होंगी. कैसे कहती है उन्होंने, ओके, आई बेट, मैं बेट लगाती हूँ कि आप अभी भी इन चीज़ों को नहीं जानती होंगी. तो वो इस चीज़ को इंटेंशनली देखती है कि वो बच्ची किस तरीके से कह रही है. वो आगे एड ऑन करती है 15 साल की लड़की, एक्चुअली मिसेस डॉलिंग की डॉटर, कि वी एट विद ऑल दीज थिंग. वेल यू डू यू नो, कि वो पूछती हैं क्या आप जानती हैं मैं हम किन चीज़ों से खाती हैं, या हम किन यूटेंसिल्स या क्रॉकरीज का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टेकिंग अवर मील. ये कहते हुए वो अपनी चेयर से उठती हैं और किचन के पास जाती हैं, और वहाँ पे कुछ जो हैं वो डिशेस और स्पून्स को सर्च करने लगती हैं और शायद उनको दिखाना चाहती हैं. आइए देखते हैं ये स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ है और इसमें क्या होता है. वहाँ पे नरेटर बताती हैं कि इस टाइम वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं क्योंकि वो अब शो ऑफ से भी ज़्यादा कुछ करने वाली थी, और फिर भी वो मूव करती हैं साइड ड्रॉअर की तरफ और वो ड्रॉअर को ओपन करती हैं. जब तक वो चीज़ों को बाहर निकालती, जो नरेटर है या फिर जो प्रोटागोनिस्ट हैं उनको अचानक याद आता है कि शी इज़ हैविंग अ ट्रेन एंड शी फॉरगॉट अबाउट द ट्रेन एंड द टाइमिंग, राइट. तो वो जल्दी से वो क्या करती हैं, दौड़ लगाती हैं, शी रश टू बोर्ड द ट्रेन. वो कहती हैं कि अब मैं निकलती हूँ. सो वहाँ पे जो 15 ईयर गर्ल हैं और मिसेस डॉलिंग की डॉटर हैं वो उन चीज़ों को देख ही रही थी, तब तक ड्रॉर वो पूरा बंद भी नहीं कर पाती हैं. एंड शी आस्क कि डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, उनसे मिलना नहीं चाहते, उनसे रुक कर मिलना नहीं चाहती क्या आप. तो यहाँ पर जो प्रोटागोनिस्ट हैं वो कहती हैं नो नो, आई डोंट हैव मच टाइम बिकॉज आई हैव टू लीव फ्रॉम हियर, आई एम हैविंग माई ट्रेन दिस टाइम, सो आई मस्ट लीव फ्रॉम हियर. वो इस तरीके से कहते हुए वो बाहर निकल जाती हैं, और वो जैसे जैसे पैसेज से बाहर जाती हैं वो अगेन
उनको जाते समय बच्ची ने स्पून्स एंड फोक्स जो उनको दिखाने के लिए निकाले थे उनको शायद वापस रख रही थी, उनकी सारी आवाज़ें उनको आती हैं। और एट द कॉर्नर ऑफ द रोड जब वो पहुंचती हैं, जब वो देखती हैं तो अगैन उनको वो प्लेट दिखती हैं जहाँ पर वो एड्रेस लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, और फिर वो अगैन उस घर की तरफ दिखती हैं जहाँ पर लिखा था नंबर 46। वहाँ पे उस घर को फिर से देखती हैं, नंबर 46 को देखती हैं, एंड एड्रेस जो था बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पे। बट नाउ यहाँ पे वो डिसाइड करती हैं कि शी विल नॉट टेक हर बिलोंगिंग्स विथ हर बिकॉज दीज बिलोंगिंग्स आर नॉट गिविंग द सेम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर टू हर फॉर वॉट शी वॉज सर्चिंग फॉर, राइट। जिस चीज़ की सर्च में, जिस प्लेजर के सर्च में, जिस सेटिस्फैक्शन के सर्च में वो इन बिलोंगिंग्स को देखने आई थी, वो सारे सेटिस्फैक्शन और बिलोंगिंग्स हैं ही नहीं। शी नो दैट दीज बिलोंगिंग्स मेंट टू हर मदर, ये उनके मॉम का ही है, बट देन ऑल्सो शी इज़ नॉट फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट विद दोज बिलोंगिंग आफ्टर लुकिंग फॉर दोज बिलोंगिंग्स और लुकिंग आफ्टर दोज बिलोंगिंग्स हम कह सकते हैं। जैसे ही वो कई सालों बाद उन्होंने उन बिलोंगिंग्स को देखा, फिर भी वो सेम अटैचमेंट, द सेम अटैचमेंट शी वॉज नॉट एबल टू फील। अगेन वो कहती हैं कि दीज आर ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स विच आर नॉट गिविंग मी द सेम प्लेजर एंड सेम सेटिस्फैक्शन फॉर विच आई वॉज सीकिंग, है ना। मैं जिन चीज़ों की खोज कर रही थी ये मुझे इन चीज़ों से नहीं मिल रही हैं। दे आर जस्ट अपसेटिंग मी और गिविंग मी सैडनेस, ये चीज़ें क्या कर रही हैं, मुझे क्या कर रही हैं, अपसेट कर रही हैं। अगेन वो इन चीज़ों के बारे में सोचती है कि अर्लियर माई लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाउ एंड नाउ द लाइफ I belong to is totally different. The things, the house is totally different. Now I live in a room. Earlier it was a big house or villa, you can say, right? So where she will keep those things, the question was. Actually she was saying that the curtains she can't use, राइट, जस्ट बिकॉज शी वॉज सेइंग कि जो विंडोज़ हैं उनसे जो रोशनी आती हैं उसको ढकने के लिए उन्होंने ब्लैक पेपर्स लगा रखे हैं और वो पहले से ही हैंग ऑन रखे हैं, हैंग ऑन है वहाँ पे, ओके। और दूसरी चीज़ उन ड्रॉअर्स की बात कर रही हैं जिनमें एक लिमिटेड कटलरीज को रखा जा सकता है या स्पून और फोक्स को रखा जा सकता है, लिमिटेड प्लेट्स को रखा जा सकता है, वहाँ पे वो इतने सारे बिलोंगिंग्स को किस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे अगेन और ऐड करती हैं कि उनका अब जो रहने का तरीका है इट वाज नॉट जस्ट लाइक अर्लियर वन। तो हियर शी डिसाइडेड टू फॉरगेट दिस एड्रेस एंड टू फॉरगेट ऑल द थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट गिविंग हर द सेम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन एट ऑल। So this is the whole story where a daughter of Mrs. S wants to take the position of the belongings related to her mother, and when she go through the things she found that these materials are not at all giving her the same pleasure. Actually they are upsetting her because they are leaving such kind of memories behind them. Just because of that, that girl decided not to take these things and leave the things with Mrs. Darling at her home. And she left finally. Finally, you will find in the end of the story कि वो उस घर को छोड़ के चली जाती है। फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि एड्रेस को भूल जाएंगी और वो मिसेस डॉलिंग से बिना मिले ही चली जाती हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो सारी चीज़ें हैं मटीरियलिस्टिक हैं और ये मटीरियल्स जो हैं उनको सेम सेटिस्फैक्शन, सेम जो
प्यार चाहिए था, सेम जो खुशी चाहिए थी वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। वो एक्चुअली ये चीज़ें उनको अपसेट कर रही हैं, जस्ट बिकॉज वो उनको सारी मेमोरीज़ की याद दिलाती हैं कि ये उनकी माँ थी और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी मेमोरीज़ उनके सामने आती हैं। एंड व्हेन शी लॉस्ट हर मदर, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को वो कहाँ रखेंगी, क्योंकि उनका घर जो पहले था वो अब नहीं है। पहले वो विला में रहती थी, अब वो एक छोटे से रूम में रहती हैं जहाँ पर उनकी बहुत लिमिटेड चीज़ें आ सकती हैं। अगर वो कर्टन्स की ही बात करें तो विंडो पर तो ऑलरेडी ब्लैक पेपर टंगे हुए हैं या चिपके हुए हैं जो कि उसमें से रोशनी को रोक रहे हैं। और कटलरीज़ की बात करें तो उनकी मॉम की इतनी सारी कटलरीज़ थी वो कहाँ रखेंगी। यहाँ पे तो हैंडफुल ऑफ कटलरीज़, मतलब कुछ कटलरीज़ को ही रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली शी डिसाइडेड कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दीज थिंग्स, आई एम गोइंग टू लीव ऑल दीज थिंग्स हियर ओनली एंड आई विल नेवर रिमेंबर अबाउट दिस एड्रेस। एंड अगर मैं खुशी से रहना चाहूँगी तो दिस इज़ ओनली द वे दैट आई कैन लीव हैप्पीली। As you all know that this is a touching account of a girl who goes in the search of the belongings of her mother after the war, right? As I told this thing in the earlier part of the story. Now you finally find out that after looking those things and after thinking a lot about those things, she finally decided ki no, I am not going to take those belongings, and if I want to live my rest of the life happily, so I must leave those things at their place only. So let's go through the summary of lesson, the address. Okay, as I told you earlier that this lesson begins with a victim of war going back to her native place. It is about a daughter who returns to her home in Holland. She goes there to search for her mother's belonging after the war. When she reaches her native place, she does not receive a warm welcome. She follows the address she has on her. It is house number 46 in Marconi Street. A woman opens the door and refuses to recognize the girl on the door. The author notices the woman wearing her mother's green knitted sweater. Thus, she became even surer that she was in the right place. However, the woman did not deny not knowing her mother. Despite the author's resistance, the woman did not entertain her and closed the door on her. The author was going back when she starts thinking about the bygone days. She got the address from her mother years ago. After returning to her home past war, she notices a lot of things which from the place. Thus, her mother gives her an address of Mrs. Darling. She learns that Mrs. Darling is an old acquaintance of her mother. Thus, her mother handed over all their valuable possessions to Mrs. Darling to keep them safe. Thus, after many years, the author thinks of going back to take them possessions. Thus, after being told to go away by Mrs. Darling on her visit, she goes back once again. On her second visit, 15-year-old answers the door. We learn that the mother was not at home. The author told her about her wish to meet her mother. The girl takes her in the house. To the author's surprise, she notices the room full of things her mother possessed. The room was not similar, but the things were all very familiar. She started to feel so uncomfortable. She now had no desire to possess her mother's belongings. Thus, she leaves the home and thought of forgetting the addresses and the thought of ever getting those things back. Okay, when we conclude the address, we find that the address summary, we learn the intricate emotions of human like trust, hope and betrayal, as well as the ill effects of war. तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि ये पूरी स्टोरी जो है एक नरेटर की है, एक दुख भरी स्टोरी है जहाँ पे नरेटर
आफ्टर वॉर और प्री वॉर की बात कर रहे हैं, हम प्री वॉर और पोस्ट वॉर की बात कर रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। प्री वॉर जो है लोगों के बिहेवियर का तरीका अलग था, पोस्ट वॉर लोगों के बिहेवियर का तरीका अलग है। प्री वॉर लोगों ने किस तरीके से अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाया और साथ ही साथ प्रिविलेज लिया उनकी मॉम से सारी लग्जूरियस आइटम लेकर के, फॉर द नेम सेक ऑफ कि वो उन लग्जूरियस और वैल्यूएबल थिंग को सिक्योर और सेफ रखना चाहते हैं। बट जैसे ही पोस्ट वॉर वो नरेटर अपने मदर के पोजिशंस को वापस लेने आती है, शी फाउंड दैट कि जो बिहेवियर ऑफ दैट एक्विंटेंस मिसेस डॉलिंग वो पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे समरी से हमें ये पता चलता है कि जो एड्रेस है, द एड्रेस ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके बिहेवियर हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, और इस रीजन से नरेटर का जो है वो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो खो चुकी हैं लोगों पर। और दूसरी चीज वो एक चीज और एड ऑन करती हैं कि जो सेटिस्फैक्शन या जो अपनापन वो उन बिलोंगिंग से या उन पोजिशन से लेना चाह रही थी, उन बिलोंगिंग के पास जाने पर वो अट्रैक्शन, वो अपनापन वो कहीं नहीं पाती है। दैट्स वाई शी डिसाइडेड कि उन चीज़ों को वो छोड़ दे, यही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनको एक पीड़ा देंगी, दर्द देंगी, या उनके सैडनेस का कहीं ना कहीं कारण बनेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द एड्रेस।